हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं दीपक मौर्या। आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे फोन में फोटो वीडियो जो कुछ भी है उसको कॉपी करके मेमोरी कार्ड में हम कैसे ट्रांसफर करेंगे। ये फोन में यहाँ पर फाइल बनाते पहले ओपन कर लीजिएगा। चलिए हम फाइल ओपन कर लेते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर क्लिक करना है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर आपको क्लिक करना है फोल्डर वाले बटन पर। यहाँ पर देखिए एरो का निशान है छोटा सा, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर एरो का निशान है ना छोटा सा, इस पर आपको क्लिक करना है। जब आप इस पर क्लिक कीजिएगा ना तो यहाँ पर आपके सामने देखिए दो ठो ऑप्शन खुल करके आ जाएगा, ठीक है, इंटरनल और इधर यहाँ पर एसडी कार्ड। जो एसडी कार्ड जो दिखा रहा है ना, ये होता है मेमोरी कार्ड वाला, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम क्योंकि हमको फ़ोन में से मेमोरी कार्ड में ट्रांसफ़र करना है तो हम इंटरनल इंटरनल पर हम क्लिक करेंगे, क्योंकि इंटरनल वाला जो होता है ना वो फ़ोन होता है, ठीक है। तो इंटरनल पर हम क्लिक कर लिए। अब इंटरनल पर जब हम क्लिक कर लें तो यहाँ पर कुछ फ़ोटो वीडियो है यहाँ पर, तो इस जो कैमरा वाला जो फोल्डर है इसको हमको कॉपी करके ले जाना है, इसको हमको कॉपी कर लेना है मेमोरी कार्ड में, ठीक है। तो इस पर हम क्लिक किए रहेंगे वो सेलेक्ट हो जाएगा। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर नीचे में देखिएगा तो यहाँ पर एक मूव का ऑप्शन देखने को मिलेगा, ठीक है। मूव कीजिएगा, यहाँ से अगर मूव कीजिएगा तो आपके फ़ोन में से भी हट जाएगा, फ़ोन में से हट जाएगा और सीधे चल जाएगा आपके मेमोरी कार्ड में, ठीक है। तो यदि हम मूव करेंगे तो मूव का मतलब होता है कि फ़ोन से हट जाएगा और मेमोरी कार्ड में चल जाएगा, लेकिन हमको मूव नहीं करना है क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारे फ़ोन में भी रहे और हमारे मेमोरी कार्ड में भी चल जाए। तो हम कॉपी करेंगे, ठीक है। तो कॉपी करने के लिए क्या करना होगा, यहाँ पर देखिए एक मोर का ऑप्शन देखने को मिल रहा है ना, मोर वाले बटन पर हम क्लिक कर लेंगे। मोर पर जब हम बटन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर कॉपी का एक ऑप्शन देखने को मिलेगा, तो कॉपी पर हम क्लिक कर लेंगे। जब हम कॉपी पर क्लिक करेंगे तो इस तरह से आ जाएगा। तो यहाँ पर अब पूछा जा रहा है कि जो आप कॉपी किए हैं उसको आप कहाँ ट्रांसफ़र करना चाहते हैं, तो हम एसडी कार्ड में ट्रांसफ़र करना चाहते हैं मेमोरी कार्ड में, तो एसडी कार्ड पर हम सिलेक्ट कर लेंगे एसडी कार्ड पर। तो दोस्तों फिर अब यहाँ पर आपको फोल्डर सेलेक्ट करना होगा कि भाई किस फोल्डर में आप उसको ट्रांसफ़र करना चाहते हैं। अब इस फोल्डर पर हम एक बार क्लिक कर लेंगे, क्लिक करेंगे तो अब इस फोल्डर में हम इंटर कर लिए हैं, मतलब इस फोल्डर में आ गए हैं। अब यहाँ से देखिए नीचे ऑप्शन दे रहा है पेस्ट का। पेस्ट का मतलब होता है कि जो आपने कॉपी किया है उसको यहाँ पर यदि लाना चाहते हैं तो आप पेस्ट कर दीजिए, तो हम पेस्ट कर लेते हैं। ये देखिए पेस्ट वाला बटन पर हम क्लिक कर लेंगे। अब ये देखिए कॉपिंग यहाँ पर होने लगा, परसेंटेज यहाँ पर चलने लगा। तो जो फोटो वीडियो म्यूजिक जो भी था, हमने जो कॉपी किया था फ़ोन से, अब वो हमारे मेमोरी कार्ड में वो ट्रांसफ़र हो रहा है। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो इस वीडियो को आप लाइक कर दीजिएगा, नए चैनल पर चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा।